नमस्कार, आप देख रहे हैं पेप्टेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। सहारा इंडिया के माध्यम से अपने खून पसीने की कमाई जमा करने वाले लोग अब बार बार कलेक्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक के चक्कर लगा रहे हैं। एक बार फिर से ये जमाकर्ता पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और अपने खून पसीने की कमाई को वापस दिलाए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि कंपनी द्वारा राशि मांगे जाने पर सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है, जिसकी वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि हाल ही में पूर्व विधायक शंकरलाल तिवारी के नेतृत्व में सैकड़ों जमाकर्ता एसपी कार्यालय पहुंचे थे और पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह यादव से मुलाकात कर राशि वापस दिलाए जाने की मांग की थी, लेकिन अभी तक कंपनी द्वारा राशि वापस नहीं की गई।